एवरीवन, वेलकम टू रानीज गुड फूड। आज हम गुड़ के सेवइयां बनाएंगे। ये 200 ग्राम गुड़ है, मैंने पहले से एक कढ़ाई में रख लिया है, इसे पत्थर से फोड़ लिया है। गैस ऑन करते हैं और 700 ml पानी डालेंगे। गुड़ को पिघलने देंगे। देखिए पानी उबल रहा है, गुड़ पिघल गया है। अब इसे हम छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में कभी कभार पत्थर, छोटी छोटी काड़ी होती है। इसको छान लेंगे। गैस का फ्लेम बंद करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना, इसमें मिट्टी होती है, दिख रही है, देखिए बर्तन के तले में। इसको फेंक देंगे। सवैयां का मसाला देख लेते हैं। 3 इलायची को मैंने पत्थर से कूट लिया है, 2 अखरोट को कट कर लिया है भिगोकर, बादाम भी मैंने भिगोकर कट कर लिए हैं, पिस्ता भिगोकर कट कर लिए हैं। बस मैंने एक छोटे चम्मच उतने ही लिए हैं। ये तरबूज के बीज भी उतने ही हैं। चारोली, आज मैंने चारोली को साफ नहीं किया है, ऐसे ही डालूंगी। 1 चम्मच खोबरा किस है, ये सूखा नारियल है। 1 मुट्ठी सवैयां है, ये वैसा 700 ml गुड़ का पानी है। ये इतने ही सेवइयां बनेंगे। ये पानी मीठा मीठा होना चाहिए, क्योंकि हम बाद में इसमें दूध भी मिलाएंगे। चलिए सेवइयां का तड़का लगाते हैं। मैंने गैस ऑन करके दोबारा वही कढ़ाई गरम रखी है। 1 चम्मच घी डालेंगे, अखरोट, बादाम, पिस्ता डालेंगे, इलायची डालेंगे, कलर चेंज होने तक भून लेंगे। कलर चेंज हो गया है, तरबूज के बीज डालेंगे, चारोली डालेंगे। गैस का फ्लेम कम कर लेंगे। सवैयां डालेंगे, सवैयां भुने वाले हैं। खोबरा किस डालेंगे, मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ये गुड़ का पानी डालेंगे। गैस का फ्लेम बढ़ा कर लेंगे, उबाल आने देंगे। इसमें उबाल आ रहा है, देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है और मैंने दूसरी तरफ दूध को हल्का गर्म कर लिया है। ये ठंडा मतलब इतना भी ठंडा नहीं हुआ, काफी गर्म है ये अभी भी। चलिए इसे परोसते हैं। मैंने दूसरी तरफ जो दूध गर्म रखा था वो डालेंगे। हल्का गर्म दूध है। अब इस पर से हम सवैयां डालेंगे। ऐसा करने से सवैयां फूटेंगी नहीं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।